एक बार आता हूँ दोबारा मुकेश जी के पास। महेश जी मैं आपको समय दूंगा मुकेश जी, लेकिन एक बात तो साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मंत्रियों को और बीजेपी को राहुल गांधी को टारगेट करने में जितना मुनाफा होगा शायद किसी और को टारगेट करने में नहीं होगा, ये बात तय है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, उन्होंने देश की गरिमा के ऊपर जो है प्रहार किया है राहुल गांधी जी ने, वो भी फॉरेन सॉइल के ऊपर जाकर किया है, तो ये लगातार करते आए हैं। तो मैं समझता हूँ उफान इतना पड़ चुका था कि ये अब टॉलरेंस के बियॉन्ड पॉइंट जा चुका था, कि लगातार इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सिंगापुर, मलेशिया में आपको इनके तमाम बयान दिखाऊं, इन्होंने भारत के खिलाफ बयान दिए। तो आप एक बड़ी पार्टी के वर्चस्व नेता हैं, आपकी मिसेस गांधी जो आपकी दादी थी उन्होंने उन्होंने साफ मना कर दिया था फॉरेन सॉइल पर आने के लिए कि मैं किसी प्रकार की टिप्पणी अपने भारत के ऊपर नहीं करूंगी। तो आप वहां पे जाकर के खुलेआम हिंदुस्तान में कह रहे हैं डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब यहाँ पर शायद मार्शल लॉ लगा हुआ है या मिलिट्री जुंटा रूल कर रही है। आपकी बातें जो है वो जो बाहर के जर्नलिस्ट हैं, बीबीसी है और तमाम ऐसे देश के खिलाफ करने वाले लोग उनकी आवाज में आवाज सुर में सुर मिलाकर के आप बात कर रहे हैं, तो क्या हमारा ये हक नहीं बनता कि आप हमारी राष्ट्रीयता पर सीधे प्रहार कर रहे हैं? अच्छा मुकेश जी, क्या ये एकमात्र हमारे पास मुद्दा है आज की तारीख में? इसके अलावा किसी मुद्दे पर संसद चल रहा है उस पर बात नहीं कर सकते? संसद को हम कौन होते हैं संसद को रोकने वाले? संसद को तो अधिकार जो है वो स्पीकर का है और चेयरमैन का राज्यसभा के अंदर है। अगर हम तो माफी जरूर मांगे क्योंकि उनको माफी मांगना चाहिए, उन्होंने बहुत बड़ा घोर अपराध किया है मेरे हिसाब से, उन्होंने तो राष्ट्रद्रोह किया एक तरीके से। और राहुल गांधी शशि थरूर साफ इस पे कह रहे हैं राहुल गांधी को माफी नहीं मांगनी चाहिए बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी क्यों माफी मांगे? प्रधानमंत्री को किस बात की माफी मांगनी चाहिए? वो कहते देश में इससे पहले प्रधानमंत्री ने कई बयान दिए, देश विदेश में जाकर के बयान दिए, और कभी कोई ऐसा मुद्दा, आज देश का संसद चल रहा है, उस संसद में देश से जुड़े मुद्दे उन पर हम बात ना करके बाकी मुद्दों पे बात कर रहे हैं और संसद बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। नया हफ्ता शुरू हो गया, पहला दिन हुआ, आज भी वही हुआ। देखिए, ये अदानी को प्रमुख मुद्दा बना करके संसद को रोकने की इन्होंने तैयारी करी। 12 घंटे मिलते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आपको बात करनी, वो मौका आपको मिला, उसको आपने गवाया। अब आप जो है संसद को आप ही नहीं चलने देना चाहते क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आप अपना 52 मिनट के भाषण में समय आपको काफी दिया, आपने अपने पर प्रधानमंत्री मोदी पर तमाम फॉरेन पॉलिसी पर आपने अटैक किया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान ले लिया है, आप थोड़ा वक्त दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में भी आपकी मान्यता नहीं है, किसी भी संस्था को आप जो है आदर नहीं करते, उन पर शक की निगाहों से देखते रहते हैं। तो मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं कि कौन सी संस्था है देश के अंदर जिस उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, अगर तीन बड़े राज्यों के मुखिया अगर तीन दिशा में चले गए तो 2024 का खेला तो वैसे बिगड़ जाएगा और सीधे तौर से बीजेपी को उसका फायदा होगा। नंबर एक, जिस तरीके से ममता बनर्जी बयान दे रही हैं, क्या लगता है कि वो पूरी तरीके से बीजेपी को समर्थन दे रही हैं या पूरी तरीके से कांग्रेस का बायकॉट कर रही हैं, या यूं अभी भी वो पशुपेश में है कि एक हाथ में लड्डू है और दूसरे हाथ का लड्डू पकड़ना चाह रही हैं? मनु साहब, मुझे लगता है कि एक तो देखिए ममता बनर्जी ने जो स्टैंड अभी बदला है, उसमें मुझे लगता है कि अधीर रंजन चौधरी साहब का जो बयान आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि अडानी ग्रुप ने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं वेस्ट बंगाल में उस पे आखिर टीएमसी चुप क्यों है, तो वो जो आरोप, वो असल में अब चौधरी साहब खुद बंगाल से आते हैं और उन्होंने सीधे सीधे लोकसभा में ये जो आरोप लगा दिया था, मुझे लगता है उसकी वजह से ममता बनर्जी उनसे खासी नाराज हो गई है और वो गुस्सा अब निकल रहा है उनका। एक तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के नाराज होने की सबसे बड़ी वजह ये है। बाकी आप जो ये बात कह रहे हैं कि अखिलेश यादव क्यों कांग्रेस से दूरी दिखा रहे हैं और नीतीश को क्यों दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि विपक्ष की एक चाल ये भी है कि विपक्ष ये जानती है कि अगर वो फिलहाल एकजुट हो जाएंगी, सारी पार्टियां अगर एक साथ खड़ी हो गई तो आप देखिए भारतीय जनता उठाएगी। वो चुनाव से पहले ये कहेगी कि देखिए ये सारे लोग मेरे मुझे एक व्यक्ति के खिलाफ, नरेंद्र मोदी यही कहते हैं कि देखिए एक व्यक्ति के खिलाफ
सारे खड़े हो गए हैं। तो मुझे लगता है विपक्ष इस दाव को समझता है, और अभी कांग्रेस भी साफ साफ ये नहीं कहना चाहती कि वो सारे लोगों को एक साथ लेना चाहती। मुझे लगता है कि चुनाव के बाद भी इसमें संजीव एक एंगल और भी नजर आता है कि जो दूसरी पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, इस तरीके से दूरी बना करके एक बेहतर नेगोशिएशन की यू कहूं के पोजीशन और कंडीशन तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था 2017 में, 2019 में, आप देखिए गठबंधन का फायदा किसको हुआ, गठबंधन का फायदा बीजेपी को हुआ। तो मुझे लगता है कि ये सबक अखिलेश यादव ने खासतौर से उत्तर प्रदेश में ये सबक लिया है कि जब वो बुआ के साथ गए थे तो क्या हुआ, और जब दो भाइयों की जोड़ी उतरी थी तो क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने ये सबक लिया, और यही सबक नीतीश कुमार ने भी लिया है। तो वो जानते हैं कि अगर हम एक साथ मिलके और ये दिखा देंगे साफ साफ तो बीजेपी इसका फायदा उठाएगी। हो सकता है कि चुनाव के बाद चीजें बदले। ठीक है, संदीप जी के पास आऊंगा। संदीप जी क्या कहेंगे, ममता बनर्जी को काफी हद तक जो है गुर विरोधी समझा जाता रहा है बीजेपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिस तरीके से बिल्कुल अग्रेसिव तरीके से विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और ताबड़तोड़ जिस तरीके से उसके बाद जो हिंसाएं हुई बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लेकर के, उनके नेताओं को लेकर के, वो जता रहा था कि एक सबसे बड़ा ब्रांड अगर बीजेपी के खिलाफ कोई है तो वो ममता बनर्जी है। लेकिन अब जिस तरीके से उनकी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं खास करके राहुल गांधी को लेकर के, तो एक उनकी इच्छा ये भी दिखती है कि वो राहुल गांधी से कहीं ज्यादा बड़ी नेता है। देखिए बिल्कुल वो अपनी पार्टी के बड़ी नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पश्चिम बंगाल की बहुत बड़ी नेता है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर सबसे ज्यादा विधायक है 700 के ऊपर तो वो कांग्रेस पार्टी है। ये तथ्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। दूसरी एक चीज, अभी जो है ममता जी का सम्मान है, वरिष्ठ नेता है, और हमारी पार्टी जैसे मैंने बताया कि उनकी शुरुआत हमारी पार्टी से हुई है, और कहीं ना कहीं हमारे सिद्धांत उनके पास है। वो सिद्धांत कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किसी पार्टी में चला जाए सिद्धांत नहीं भूलता, जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसको कोई भुला नहीं पाता। उम्मीद है कि वो घर वापसी करेंगी, कांग्रेस के हाथ से हाथ मिला लेंगी। जी 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 बिल्कुल, करना चाहिए उन्हें जनता की, जैसे मैंने मुद्दे गिनाए उन मुद्दों के आधार पर उनको आना चाहिए साथ में। और एक बात और समझिए, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी ने साफ मना कर दिया। भाई इंदिरा जी के खिलाफ जो नेता थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये मोदी अटल बिहारी वाजपेयी थोड़ी ना है। इंदिरा जी ने कहा था उनके अगेंस्ट में अगर विपक्ष के नेता कोई थे तो अटल जी थे, अटल जी की तुलना इनसे ना नहीं हो पाएगी, जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। और एक बात इन्होंने कही कि राहुल जी गए विदेश में अपमान किया। भाई मोदी जी जाके ये कहते हैं कि हमको सही 2014 के पहले भारत में पैदा होने पर शर्म आती थी, ये अपमान नहीं तो क्या है। जो चाइना में जाकर कहते हैं कि हमारी सरकार आने के पहले बैंकों ने निजीकरण कर दिया और खाते नहीं खुलवाए। ये कौन खाता खोल रहा था भारत का चाइना में जाकर? चाइना के प्रधानमंत्री को झूला झिलाते हैं, कौन सा राष्ट्रवाद है? पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाएंगे, मलिहा बादाम लेके जाएंगे, और वहां से जो है पाकिस्तानी साल लेके आएंगे, ये कौन सा राष्ट्रवाद है? तो कृपया राष्ट्रवाद का पाठ न पढ़ें। अब आ जाते हैं अडानी के मुद्दे पर। देखिए अडानी के मुद्दे से मोदी जी भाग रहे हैं, और अभी हमारे साथी ने बताया कि जो लोकसभा अध्यक्ष है और राज्यसभा के सभापति है वो कांग्रेस पार्टी से है, इनकी पार्टी से नहीं है। उन्होंने कहा कि वो सदन नहीं चला रहे, इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी से। अरे भाई आपकी पार्टी से है तो आपकी पार्टी की वकालत करेंगे ना। आपके पार्टी के तो ऐसे लोग हैं जो राज्यपाल बनने के बाद भी जितना भाजपा का कार्यकर्ता काम नहीं कर पाता है उससे ज्यादा काम करते हैं, सरकारें बनवा देते हैं, मतलब संविधान का गलत वोट के। और सुनिए, इन्होंने एक बात और कही, अडानी पे थोड़ा आ जाते हैं। अडानी में जांच कराने में क्या दिक्कत है भाई, आपका रिश्तेदार लगता है? अरे जैसे और बहुत सारे व्यापारी हैं, वैसे वो भी एक व्यापारी है। कोर्ट ने जो कमेटी गठित कर दी है, चिल्ला रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो इंतजार नहीं किया जा सकता संदीप जी? और मोदी और अडानी जी का रिश्ता अगर खुल जाएगा ना साहब तो जेल जाएंगे पक्का, उसमें मोदी जी जेल जाएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर आपको विश्वास नहीं है, संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, मतलब हम उस सीबीआई पर विश्वास कर ले जिसके रात में आपने निदेशक बदल दिया? रात में निदेशक बदलने की 2 बजे रात में कौन सी जरूरत थी? उस ईडी पे कर दे जिसके निदेशक का कार्यकाल आप 3-3 बार बढ़ाते हैं जबरदस्ती का। उसके बाद एक जो है डायरेक्टर आते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, राजेश्वर सिंह,
आते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, ऐसे लोगों का विश्वास कर ले। और अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऊपर बहुत बार डंडा चलाया है और ये इसमें भी डंडा आपको मुंह की खानी पड़ी और आपको डंडा खाने के बाद कोर्ट ने एक जांच समिति बनाई है लेकिन उसका दायरा सीमित है, वो सिर्फ सेबी के मामले की जांच कर रही है, मोदी और अडानी के संबंधों की नहीं। और जेपीसी जिस दिन बन जाएगी ना साहब, मोदी जी को तलब कर सकती है जेपीसी, वो समिति नहीं कर सकती है, ये बात आप भूल जाते हैं। इसलिए कि यहाँ पर प्रधानमंत्री और एक व्यापारी के संबंधों की बात है, इसलिए जेपीसी जरूरी है और मोदी जी इसलिए भाग रहे हैं, कभी राहुल जी के यहाँ पुलिस भेज दे रहे हैं, 45 दिन पहले कोई बयान दिया जाता है उसका संज्ञान 45 दिन बाद लेते हैं, हमारे अमित शाह जी वो तड़ी पार महाराज जी जो जासूसी में माहिर है, मतलब क्या कर रहे हो आप, लोकतंत्र का गला नहीं घोट रहे हो मुकेश जी, आप क्या कर रहे हो, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हो, राजशाही लगा देना चाहते हो, जवाब लेते हैं मुकेश जी से। ठीक है मुकेश जी, विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा है कि अडानी पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप बात साफ क्यों नहीं कर रहे हैं, आप जेपीसी क्यों नहीं ला रहे, आखिर आगे देश चलना है, संसद चलनी है, इस मुद्दे को पूरी तरीके से हम खत्म करके, इस गतिरोध को खत्म करके आगे बढ़ने के लिए कौन से रास्ते हैं? मारूफ भाई, जेपीसी हम कहें कि जेपीसी नेशनल हेराल्ड केस पे लगाइए, हम कहें जेपीसी कर दीजिए भाई, कर दीजिए आपके हाथ में, कर दीजिए, सुन लीजिए, मनमोहन सिंह जी आपके मांग पर किया है भाई, संदीप जी सुन लीजिए, संदीप जी 2014 के पहले दूसरा बार जेपीसी बनी है, क्या बात कर रहे हैं आप, उनका जवाब सुनिए फिर आप आइएगा। हाँ मुकेश जी, बात मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए इनको सुप्रीम कोर्ट के उस जो उनका मैंडेट है, अगर उसमें लगता है कि पूरा मैंडेट नहीं है तो वहां पे जाकर के एक याचिका और दे सकते हैं और उसके अंदर जो है अमेंडमेंट करवा सकते हैं कि उसका दायरा व्यापक कर लें। लेकिन आपको पता है जेपीसी का इतिहास, बागू भाई, बोफोर्स के ऊपर जेपीसी लगी थी, क्या हुआ उसमें, इनके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बी दत्ता जाकर के कटरोची का अकाउंट डी फ्रीज करवाते हैं लंदन में जाकर के, वहां पर क्योंकि उनके साथ इनके सीधे गठबंधन थी, बोफोर्स के ऊपर हुआ, इसके अलावा कोका कोला के ऊपर हुआ उसके अंदर, लेकिन तमाम 50 से लेके 100 सिटिंग्स हुई और अंतोगत्वा जो है खोदा पार निकली चुकी, तमाम ऐसी जेपीसी जो बिल्कुल विफल रही है। तो ये 2G के ऊपर भी आपने देखे कितना झगड़े हुए थे 2G को लेकर के। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखते हैं, मुझे बहुत खुश हुआ कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है, ये आपका बहुत स्वागत योग्य स्टेटमेंट, नहीं तो आप तो जुडिशियल को भी नहीं छोड़ रहे राहुल गांधी जी, वहां जुडिशियल भी बोल रहे हैं कि जुडिशियल वहां निष्पक्ष नहीं है, तो आपने तो हर बिल्कुल नहीं कहा, सुन लीजिए कहा है उन्होंने जुडिशियल लेकर के, तब नहीं कहा डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर को ही धूमिल कर दे रहे हैं, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी है ही नहीं, पाकिस्तान है क्या हिंदुस्तान, तो आप लोगों के जो वक्तव्य है वो इतने परिपक्व नहीं है, देश विरोधी है। और उसके बाद आप कहिए साहब आप इस पे जेपीसी लगाइए, जेपीसी का इतिहास उठा के देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का अगर आपको नहीं तो आप उसका मैंडेट को एक्सपेंड करा दीजिए, किसने रोका हुआ है, आपके पास इतने वरिष्ठ वकील है, कपिल सिब्बल जी हैं, तमाम लोग हैं आपके पास, चिदम्बरम जी जाइए, तो सुप्रीम कोर्ट अगर मना करेगी तब अलग बात है, पर 2-3 महीने वेट तो करिए, हो सकता है उसके बाद आपके सारे जो संचय, जेपीसी से आपको क्या दिक्कत है भाई, जैसे आप ये कह रहे हो फोर्स में सब लोग बरी हो गए, वैसे मोदी जी बरी हो जाएंगे, बात खत्म, आपको क्या दिक्कत है भाई, आप ये कह रहे हो कि जेपीसी आपने मांगी और उसमें बिफोर्स में सब लोग बरी हो गए तो मोदी जी भी बरी हो जाएंगे, तो आपको तो और खुश होना चाहिए भाई, कर दीजिए जेपीसी। आपने 2002 का गोधरा कांड को लेकर के कितना तमाशा किया, कितना आपने हल्ला, हाँ इसीलिए डॉक्यूमेंट्री बैन करना पड़ा, डॉक्यूमेंट्री इसीलिए बैन करना पड़ा, और एसआईटी अभी अभी जो मैंने सीबीआई के निदेशक की बात की ना, उसमें एसआईटी के चीफ भी थे, एसआईटी के चीफ, हाँ आप लोग हारते क्यों हैं, एसआईटी का चीफ मोदी जी आते हैं पहले गुजरात से, उनको सीबीआई में लेके आए हैं, जनता का विश्वास, आज पीएमओ से लेकर दिल्ली के सचिव, दिल्ली के जो मुख्य अधिकारी है सब गुजरात कैडर के हैं, क्यों भाई, उत्तर प्रदेश कैडर के लोग काबिल नहीं होते हैं क्या, हरियाणा कैडर के लोग काबिल नहीं होते हैं क्या, चलिए वो जो उनको सूट करता है वैसे लोग लेके आएंगे,
सरकार को चलानी है, कौन राज छुपा सकता है। ठीक है।